वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक्निक। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूट्यूब पर 1000 व्यूज हमें कितना पे करता है, और जब भी कोई हमारे वीडियो पे क्लिक करेगा तो जो एड डिस्प्ले होता है उसका पर क्लिक हमें कितना रेवेन्यू मिलता है। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज है जिसमें आपको बताया गया है कि पर 1000 व्यूज का आपको $1 मिलेगा, पर 1000 व्यूज का आपको $2 मिलेगा, $3 मिलेगा, $10 मिलेंगे। लेकिन सच में व्यूज के हमें पैसे मिलते हैं या और कोई क्राइटेरिया है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स होंगे उसके ओनर्स होंगे, जिनका भी चैनल मोनेटाइज हो गया है, उन लोगों को डेफिनेटली ये सवाल उनके मन में आया होगा कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे। तो उसकी जो सच्चाई है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि हाउ मच यूट्यूब पे पर 1000 व्यूज एंड पर सिंगल क्लिक कितना हमें पैसा देता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखे थे जो मेरी चैनल के है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा चैनल एनालिटिक्स है, यहाँ पे 62.2K व्यूज है, मतलब 62,200, और रेवेन्यू, एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो है 1.6K, मतलब 1600 रुपए। मतलब 62,200 जब व्यूज हो गए तब मेरा रेवेन्यू 1600 जनरेट हुआ है। उससे पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे 17.5K व्यूज है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो 800 है। अभी मैं यहाँ पे आपको सिनेरियो समझाता हूँ। 17,500 जब व्यूज है तो उसके लिए जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 798.66, मतलब राउंड फिगर हम 800 पकड़ लेते हैं। और जो दूसरा सिनेरियो था उसमें, वो भी मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, जो पहला स्क्रीनशॉट हमने यहां पे देखा था, 62.2K व्यूज, मतलब 62,200 पे 1600, 62,200 पे 1600, ये व्यूज, और ये है हमारा रेवेन्यू इन रुपीज, ये रुपीज, ये भी है रुपीज। तो इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको मिलने वाली है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो कि जब 17,500 व्यूज है तो 800 रुपए हमें मिले हैं। तो इसका मतलब अगर 62,200 व्यूज हो जाते हैं तो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था। अगर 1000 व्यू के हिसाब से अगर YouTube हमें पेमेंट कर रहा है तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूं। ये कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे हम 62,200 डिवाइड बाय 17,500 करेंगे तो आता है, मतलब 3.5 टाइम्स व्यूज बढ़ गए हैं। तो क्या 3.5 टाइम्स रेवेन्यू बढ़ा है या नहीं, वो हम अभी देखते हैं। व्यूज तो बढ़ गए, 3.5 इंटू 800 होता है 2,800। जिस हिसाब से व्यूज बढ़े हैं उस हिसाब से रेवेन्यू यहाँ पे बड़ा नहीं है। 62,200 व्यूज पे भी अभी रेवेन्यू है 1600 रुपए, जबकि 17,500 व्यूज पे मेरा रेवेन्यू था
800 रुपीज। तो इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे? लगभग यहाँ पे 1200 रुपए मुझे कम मिल रहे हैं। अगर व्यूज के हिसाब से YouTube पेमेंट दे रहा है तो मुझे मेरा रेवेन्यू 62,200 पे 2800 रुपए चाहिए था, लेकिन वो अभी 1600 रुपीज ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ध्यान दीजिए, ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एंड तक बने रहिए, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो आप यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे एक सिनारियो दिया गया है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब भी सपोज मेरी कोई खुद की कंपनी है और मैं उसका एड यूट्यूब पे दिखाना चाहता हूँ, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो शुरुआत में हमें एक एड दिखाई देती है। वो एड कौन देता है? तो ये बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपने प्रोडक्ट्स के एड डिस्प्ले करना चाहती है। वो जाती है यूट्यूब के पास कि हमारा एड आप अपने वीडियोस पे डिस्प्ले करो। यूट्यूब के पास क्या है? बहुत सारे चैनल्स, जैसे मेरा टेक्निक है और भी होगा एबीसी एक्सवाईजेड जो कि मोनेटाइज हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यूट्यूब डिसाइड कैसे करता है कि कौन से चैनल पे एड देनी चाहिए या नहीं, और इसमें कंपनी क्या ध्यान देती है, ये अभी आप यहाँ पे देखिए। अभी ये मेरा सपोज टेक्निक चैनल है जिसके ऊपर यूट्यूब एड दिखाना चाहता है। मेरे चैनल पे वीडियो 1, 2, 3 सपोज 100 वीडियोज है, जिसमें से फर्स्ट जो वीडियो है मेरा उसमें 10,000 व्यूज है, जो सेकेंड वीडियो है उसमें 20,000 व्यूज है, और जो थर्ड वीडियो है उसमें 5 लाख व्यूज है। मतलब थर्ड वीडियो का जो व्यूज है वो बहुत सारे हैं। तो अगर मैं कंपनी हूं और मुझे मेरी एड डिस्प्ले करनी है तो मैं डेफिनेटली ऐसा वीडियो चूज करूंगा जिसके व्यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उससे मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी एड देखेंगे। तो डेफिनेटली मैं ऐसे ही वीडियो चूज करूंगा जिनका व्यूज बहुत ज्यादा है। तो वहां पे बिडिंग होती है। YouTube करता क्या है कि ये जो सिनारियो है वो सब कंपनी को दिखाई देते हैं कि इस वीडियोस पे इतना है, इस वीडियोस पे उतना है। तो वहां पे बिडिंग चलती है। मतलब सपोज मैं खुद की कंपनी है और मुझे कोई एड डिस्प्ले करना है तो मैं YouTube को बोलूंगा कि जिस वीडियो पे 5 लाख व्यूज है उस वीडियो पे अगर आप मेरा एड चलाओगे, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ज्यादा लोगों के पास पहुंचने की, तो मैं पर क्लिक यहाँ पे देखिए नीचे 3 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और जिस वीडियोस पे 20,000 व्यूज है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है लोगों तक पहुंचने की, उसके लिए मैं पर क्लिक 2 रुपए दूंगा। और जिस वीडियोस पे 10,000 व्यूज है उस पे मैं पर क्लिक 1 रुपीज दूंगा। तो इस तरह का सिनारियो यूट्यूब के सामने होता है। जिस वीडियोस पे जितने ज्यादा व्यूज होंगे उस पे बिडिंग ज्यादा होती है और उसका पर क्लिक का कॉस्ट भी ज्यादा होता है। अभी यहाँ पे 1 रुपए में से 40 पैसा यूट्यूब काट लेता है और जो 60 पैसा होता है वो हमें मिलता है। सपोज ये जो मेरा 3 नंबर का वीडियो है जिसके ऊपर 5 लाख व्यूज है, उस पे 3 रुपए कंपनी पे कर रही है एक एड डिस्प्ले करने के लिए, तो मुझे मिलेंगे काट के 1 रुपीज 80 पैसा। जिस वीडियोस पे 20,000 व्यूज है उस पे मुझे मिलेंगे 1 रुपए 20 पैसे, और जिस वीडियो पे 10,000 व्यूज है वहां पे मुझे मिलेंगे 60 पैसा। इन तीनों वीडियो पे एक ही एड डिस्प्ले हो रही है, एड डिफरेंट नहीं है, लेकिन हर वीडियो पे एड डिस्प्ले करने का कॉस्ट अलग अलग है, क्योंकि हर वीडियोस के व्यूज अलग अलग है। हमें पर 1000 व्यूज इस हिसाब से पैसा नहीं मिलता। जिस वीडियो के व्यूज जितने ज्यादा होते हैं उसका अर्निंग उतना ज्यादा होता है। जब भी कोई कंपनी YouTube के ऊपर एड डिस्प्ले करती है तो डिस्प्ले करने से पहले वो क्या देखती है कि उस वीडियोस उस चैनल में जो वीडियोस है उनके व्यूज कितने हैं, उस
वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है, उस वीडियो की लेंथ कितनी है, उस चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ये सारे कंपनी फिल्टर कर सकती है। और कंपनी ऐसे बोल सकती है कि मुझे ऐसा चैनल चाहिए जिसमें किसी वीडियो पे 5 लाख सब्सक्राइबर हो, जिसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 5 मिनट का हो, जिसका वीडियो का लेंथ 10 मिनट का हो, और जहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा उस चैनल पे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, इसी चैनल पे मुझे ऐड दिखाना है। अगर ऐसा चैनल मुझे मिलता है और उसके वीडियोस पे अगर मेरी ऐड जाती है तो मैं पर क्लिक का 10 रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह की बिडिंग होती है और इस तरह से कंपनी यूट्यूब में पैसा लगाती है। आपको टेक्निकल गुरुजी चैनल डेफिनेटली पता होगा, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारे वीडियोस है। तो अगर मैं कंपनी हूँ और मुझे टेक्निकल गुरुजी पे अपना, सपोज मेरा कोई मोबाइल ब्रांड है या कोई ईयरबड्स है या कोई टेक्निकल मेरा प्रोडक्ट है जो मुझे उसके ऊपर डिस्प्ले करना है, मुझे पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो टेक्निकल चैनल है और मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोग वहाँ पे देखेंगे, तो मैं डेफिनेटली पर क्लिक का वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दूंगा। और अगर ऐसा कोई रैंडम चैनल है जिसके 4000 या 5000 सब्सक्राइबर्स है, उस चैनल पे भी मैं अपनी एड डिस्प्ले करूंगा, लेकिन वहाँ पर क्लिक का 10 रुपये नहीं दूंगा, वहाँ पर क्लिक का सिर्फ 1 रुपये ही दूंगा। तो इस तरह से हमें पैसे मिलते हैं, पर 1000 व्यूज से हमें पैसे नहीं मिलते। तो इसका रीजन ये है कि 17,500 व्यूज पे मुझे 800 रुपये मिला था और 62,000 व्यूज होने के बाद भी मुझे जहाँ पे 2800 रुपये मिलने चाहिए थे वहाँ पे मुझे 1600 रुपये मिले हैं, क्योंकि उसके वीडियोज के व्यूज कम होंगे, बस यही एक क्राइटेरिया होगा, या जिन्होंने एड प्लेस किए उन्होंने कोई क्राइटेरिया वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। तो हमेशा याद रखिए कि हमें पैसे कंपनी पे करती है और वो डिसाइड करती है कि पर क्लिक का उन्हें कितना पैसा वो हमें पे करेंगे, उस हिसाब से हमें पेमेंट मिलता है। तो बहुत सारे चैनल्स यहाँ पे दावा कर रहे कि 1000 व्यूज के $1 मिलेंगे, $5 मिलेंगे, $10 मिलेंगे, ऐसे नहीं होता है। हर एक चैनल का रेवेन्यू अलग अलग होता है, जो डिसाइड करता है कि उसके ऊपर किस तरह के ऐड चलेंगे और उस ऐड के लिए, पर ऐड क्लिक के लिए कंपनी कितना पैसा देने के लिए तैयार है। तो ये था उसका बेसिक कि हमें यूट्यूब से पैसे कैसे मिलते हैं। तो डेफिनेटली इस चैनल में आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिली होंगी, तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।